अब तक आपने देखा राजकुमारी कुंती नवजात कर्ण का त्याग कर देती है, पर सुषेण अधीरथ भगवान सूर्य के पुत्र को बचा लेता है। राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु ये मेरी संतान है। राधा शिशु कर्ण को स्वीकार करने से मना कर देती है। परिवार समेत अधीरथ शंकुव्रत की ओर प्रस्थान करता है। कर्ण अब भी माँ राधा का प्यार पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, पर कर्ण को अब भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता। मृग की नाभि में जो कस्तूरी होती है, उसी के कारण मृग के प्राण जाते हैं, जेठ जी प्राण जाते हैं, जेठ जी प्राण जाते हैं। ऐसे कस्तूरी से मृग कैसे प्रेम कर सकता है जेठ जी? अब आगे कर्ण पूरे 12 वर्षों तक केवल पत्ते खाकर मैंने तपस्या की है, तब जाकर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन है जो हमारी तपस्या भंग करने आया है? समस्त गांव वाले जानते हैं कि रात्रि में शमशान में आना वर्जित है। मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, जानते नहीं? मैं भी साधना करने आया हूँ। ताऊ कहते हैं पत्ते खाकर साधना करने से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु ये बहुत कड़वे हैं। मैं बिना पत्ते खाए साधना करूंगा, आधा ज्ञान तो प्राप्त होगा। इस समय तुम्हें शमशान में आते भय नहीं लगता बालक? किसका भय? मृत्यु का। भूत पिशाच यहाँ तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, जानते नहीं? आपका भक्षण नहीं किया तो मेरा भक्षण क्या करेंगे? इस छोटी सी आयु में क्या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है बालक? कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी निकालने का ज्ञान। कस्तूरी के कारण ही उस मृग की मृत्यु होती है। अब आप मौन रहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आओ पुत्र। आधी रात में तुम्हें कस्तूरी मृगों की चिंता क्यों है बालक? यदि कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होगी तो मेरे कारण मेरी माता की मृत्यु नहीं होगी। मेरी माता को भय है कि मेरे कारण उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो मुझे प्रेम नहीं कर पाती। और मुझे मेरे अनुज छोड़ की भांति माता का प्रेम प्राप्त करना है। क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण।
राधे कर। कितने समय में ज्ञान प्राप्त होता है? घर जाओ कर्ण, तुम्हें साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। घर जाकर अपनी माता से कहना, कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि कस्तूरी मृग के जीवन का प्रमाण है। कस्तूरी की सुगंध और मृग का जीवन एक साथ ही समाप्त होता है। और अपनी माता से यह भी कहना, कस्तूरी के कारण ही मृग असामान्य होता है। आपको इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि मैंने कस्तूरी मृग देखे हैं पुत्र, हिमालय के ऊंचे शिखरों पर। क्या मैं एक मृग लाकर माता को दिखा दूं? क्या वो मानेंगी? कृपया करके मुझे हिमालय जाने का मार्ग दिखाइए। नहीं पुत्र, तुम वहां नहीं जा सकते। वहां का मार्ग अति दुर्गम है, वहां केवल एक बहुत बड़ा योद्धा ही पहुंच सकता है। मैं भी बड़ा हो गया हूं, अपने हाथों से भोजन करता हूँ और भोजन भूमि पे भी नहीं गिराता। किंतु क्या तुम धनुर्धारी हो? धनुर्धारी? धनुर्धारी क्या होता है? जिसके पास धनुष होता है। अगर मेरे पास धनुष होगा तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, किंतु धनुर्धारी बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यदि मेरे परिश्रम से मुझे माता का प्रेम मिले तो कोई परिश्रम बड़ा नहीं। आपका धन्यवाद, आपके दिए गए ज्ञान से मैं धनुर्धारी बनकर माता के लिए कस्तूरी मृग अवश्य ले आऊंगा। तुम्हारी निर्भयता देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अवश्य किसी ऊंचे क्षत्रिय वंश के पुत्र हो। तुम अवश्य धनुर्धारी बनोगे। का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह पत्ते खाने की आवश्यकता है? नहीं, तब तो मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाऊंगा। कर्ण,
घबराट कर कहाँ चले गए थे? साधना करने गया था पिताश्री, मैं ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ। अरे वाह वाह, क्या ज्ञान प्राप्त किया पुत्र? ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वाह पिताश्री, मुझे एक धनुष चाहिए। तुम्हें धनुष का क्या काम पुत्र? धनुष पाकर मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी बन जाऊंगा। उसके पश्चात मैं कस्तूरी मृग लाऊंगा। तो मेरे कारण माता की मृत्यु नहीं होगी ना पिताश्री? तुम्हारी माता का जीवन बहुत लंबा है, ना तुम्हें कसूरी मृग लाने की आवश्यकता है और ना ही धनुष उठाने की। तुम्हें ज्ञात है पुत्र के धनुष क्या होता है? तो आज जोन और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वास्तविक धनुष क्या है बताऊंगा। पास के गांव में मथुरा से धनुष आया है दर्शन हेतु। वहां बहुत सारे धनुर्धारी कत्र होंगे और धनुर विद्या की प्रतियोगिता भी होगी। शोन, चलो ताऊ हमें धनुष दिखाने ले जा रहे हैं। प्रताश्री, एक सूत के पुत्र को धनुष के दर्शन करवाने से क्या लाभ? आनी भी क्या है, सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, ये बात आप जानते हैं। और जिस चीज का अधिकार नहीं उसका आकर्षण जीवन में विष खोल देता है। किसी वस्तु का अधिकार छीन लेने से ही उस वस्तु का आकर्षण निर्मित हो जाता है। सुषेण, माता का प्रेम प्राप्त कर लिया होता तो कस्तूरी का विचार भी नहीं करता। वो प्रेम नहीं दिला सकते तो संतोष तो पा लेने तो उसे। एक बार कर्ण धनुष देख ले, उसे संतोष हो जाएगा। वैसे भी समाज को समझने के लिए भी समय है उसके पास। किंतु विचार कीजिए प्रदर्शनी, यदि कर्ण में उत्तम धनुधारी बनने की शक्ति हुई तो सिद्ध हो जाएगा कि ऊंच नीच के भेद मिथ्या है। और जो मिथ्या है उसका मान क्यों? यदि कर्ण ने धनुष उठा लिया तो क्या होगा? क्या क्षत्रिय उसे क्षमा करेंगे? बालकों की कोई जात नहीं होती सुषेण, सूत के पुत्र को भी सुख पाने का अधिकार है। यदि कर्ण को वह धनुष देखकर सुख मिलता है तो उसे वो सुख मैं अवश्य दिलाऊंगा। कर्ण चोर, शीघ्र करो पुत्र, शीघ्र करो। आज हम धनुष दर्शन के साथ उन क्षत्रियों को एक दिव्य रत्न भी दे जाएंगे। वही तो है धनुष, जाओ स्पर्श कर लो धनुष। जीवन में प्रथम और अंतिम बार सज्जनों, योद्धाओं,
क्षत्रियो और धनुर्धारियों, सौ नगरों की यात्रा करके आए हैं, किंतु लक्ष्य भेद करने वाला एक भी क्षत्रिय हमें नहीं मिला। क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी जो व्यक्ति उस लक्ष्य का भेदन करेगा? उसे धनुष फेंक दिया जाएगा। मथुरा से आया अपराजित नाम का ये धनुष। मुझे मेरा धनुष मिल गया। अब ये प्रतियोगिता तो मुझे ही जीतनी पड़ेगी। इतना बड़ा धनुष, आप तो इसे उठा भी नहीं सकोगे। पवन की तो शादी को पवन की अर्थात लक्ष्य भेदने के लिए हमें बाण पवन की दिशा के अनुरूप छोड़ना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्मेद। क्यों नहीं, किंतु आप तो बालक हैं। आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा।